हेलो दोस्तों, आज 30 मई 2021 की विभिन्न समाचार पत्रों में छात्रों के जीवन से जो महत्वपूर्ण खबरें छाई हुई थी, वो सभी खबरें इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं और एक एक करके आपको के साथ ये शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इसलिए वीडियो को देखते रहें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर। यूपी में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी राहत और सारे जो बाजार हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से खुल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन चल रहा है और इस नुकसान से उबरने के लिए उत्तर प्रदेश तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। उम्मीद यहाँ पर सूत्रों के अनुसार 1 जून से जो सभी बाजार हैं वो खुल सकते हैं। इस पर कल शाम यहाँ पर मीटिंग भी हुई उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और यहाँ पर मीटिंग में यहाँ पर जो फैसले लिए गए हैं कि साप्ताहिक बंदी हो सकती है, रात्रि की जो बंदी है वो हो सकती है, और उसके बाद जो भी बाकी की दिन भर की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की जा सकती है। लेकिन अभी इस पर विचार हो रहा है कि क्या चीज़ें शुरू करनी हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर बंद करनी हैं, इस पर अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं हो पाया है। और आज रात तक यहाँ पर इस पर पूरा निर्णय हो सकता है या दोपहर तक भी इससे संबंधित जो आदेश है वो सहमति जैसे ही बनेगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बताया गया है मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि आंशिक कर्फ्यू में राहत देने पर सहमति बन गई है। अब यह रूपरेखा बनाई जा रही है कि किन किन गतिविधियों को पहले छूट दी जाए और इसके बाद आज आदेश देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती में टंकण परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी 21 जून को कराएगा कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा और 23 से कनिष्ठ सहायक में टंकण जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल जो निर्देश हैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। साथ में यहां पर चयन आयोग ने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है, क्योंकि द्विस्तरीय जो परीक्षा प्रणाली है यानी कि PET, इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और इसके बाद इसमें 30 से 35 लाख तक आवेदन लिए जाने हैं और इसकी परीक्षा भी करवानी है। इसलिए उससे पहले जो रुकी हुई परीक्षाएं हैं उनको कराने पर अब यूपी ट्रिपल एससी ने आदेश लेने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर सभी जानकारियां देखने को मिलती रहेंगी। आज तक के माध्यम से यहां पर अपडेट निकल कर आ रही है। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर हुआ आरक्षण का घोटाला। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया है। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन योगी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर जल्द नई कार्यवाही आयोग के माध्यम से देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इन 5,844 जो भी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं इनको राहत भरी खबर मिल सकती है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये 68,500 की रिक्त सीटें हैं। बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने वर्चुअल ऑनलाइन धरने में किया प्रतिभाग और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़ने की जो मांग को लेकर बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने 3 दिवसीय वर्चुअल ऑनलाइन धरने में प्रतिभाग किया। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़ने की जो मांग है वो यहाँ पर तेज़ हो गई है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 भागों में यानी कि 1.37 लाख पदों को भरने के निर्देश दिए थे, जिसमें अभी भी 22,000 पद रिक्त हैं, उन्हें 69,000 में जोड़ने की बात की गई है, क्योंकि अभी भी 97% अंक वाले जो प्रतिभागी हैं वो बाहर हैं और बैठे हुए हैं। इसलिए इन सीटों को जोड़कर भर्ती में आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, ताकि कुछ और बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। कांस्टेबल GD भर्ती की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी हां, कोरोना की स्थिति नियंत्रित होते ही जल्द जारी हो जाएगा विज्ञापन, और यहां पर 2 बार विज्ञापन की तिथि घोषित करने के बाद भी भर्ती की सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि भर्ती की जो सूचना है वो जारी
हो जाएगी और 40,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी है। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के लिए तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। केवल यहाँ पर कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही इसकी जो घोषणा है वो यहाँ पर कर दी जाएगी और संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बड़ी भर्ती है यहाँ पर SSC के माध्यम से, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती यहाँ पर होनी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। कोरोना के कारण इसमें विज्ञापन की देरी हो रही है और हम आपको बता दें इन पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। कांस्टेबल GD की परीक्षा के जरिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल यहाँ पर एजेंसी यानी कि NIA, इंडियन तिब्बत पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल सुरक्षा बल, असम राइफल सहित कई अन्य सुरक्षा बलों के लिए यह भर्ती की जानी है और ये सभी भर्तियाँ 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए की जानी है। 18 से 23 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी होंगे www.ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकेंगे और आवेदन भी कर सकेंगे। 51 जनपद के टीम मेंबर हैं RP श्रीवास्तव, आप लोग जानते होंगे अगर चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो। वीडियो को अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत सारे छात्र वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित इन्होंने अपडेट किया है कि 12,460 भर्ती कराने के लिए SCRT पर सब आ सकता है, कमेंट करें। यानी भी उन्होंने कहा है कि अगर आप आ सकते हैं तो, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आ सकते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या आप अपने हक की लड़ाई के लिए जो है लखनऊ SCRT आ सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, केवल आकर अपनी बातें रखनी है कि किस तरह से भर्ती को किया जाए और उसी के आधार पर अधिकारियों से मीटिंग की जाएगी। कोई धरना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर कोई भी 0, 51 ये किसी से नहीं पूछा जा रहा है, ना ये आपको किसी को करना है कि हम 0 हैं, हम 51 हैं। आपको ऐसा रास्ता सुझाना है कि इस रास्ते से इस भर्ती को करके 0 हो चाहे 51 हो, सभी को एक समान नियुक्ति मिल जाए। और इसके लिए जो तारीख है उसमें बदलाव किया गया है, अब 7 जून दिन सोमवार को ये तारीख रखी गई है और 7 जून दिन सोमवार यानी अगले सप्ताह में सभी को यहाँ पर आमंत्रण दिया गया है। अब जो भी आवेदक हैं और जो आना चाहते हैं इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अपनी और लाइक करके बताएं कि वाकई में आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको अपडेट देंगे। उत्तर प्रदेश में 10वीं बोर्ड के जो भी छात्र हैं उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनकी यह परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 12वीं के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराई जाएगी। पेपर अब 1.5 घंटे का होगा और UP बोर्ड 10 सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ 3 के देने होंगे आपको इसमें जवाब, और इन 3 के जवाब अगर आप सही देते हैं तो आप 12वीं के लिए पास हो जाएंगे। और 10वीं के जो बच्चों को प्रमोट करने के लिए तय होंगे दिशा निर्देश वो भी जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। कक्षा 6, 7, 8, 9, 11वीं जितने छात्र हैं इनको भी अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है। और हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 29,94,312 ये 10वीं में पंजीकृत छात्र हैं और 26,10,316 ये 12वीं में पंजीकृत छात्रों की संख्या है। तो 10वीं के तो प्रमोट हो गए लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, ये छात्र हैं, ये परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो अच्छी अपडेट है बोर्ड परीक्षा की क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी प्रतीक्षारत थे। डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालय के जो भी छात्रों की प्रोन्नति पर जो निर्णय है वो आज लिया जा सकता है। प्रदेश के विभिन्न जो भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, स्नातक, परस्नातक, सेमेस्टर सभी के लिए आज निर्णय यहां पर लिया जा सकता है। रविवार को इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया है कि परीक्षा के लिए 3 कुलपतियों के समेत मंथन और शासन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस पर विस्तार से बात की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे और इस पर आज अंतिम निर्णय देखने को मिल सकता है। यूपी बोर्ड पर जैसा निर्णय, उम्मीद है कि डिग्री कॉलेजों के जो छात्र हैं उनको भी अगली सेमेस्टर या कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में बताई गई सूचनाएं उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।